नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप? तो ये वीडियो के अंदर आज हम अर्निंग जो है रिवील करेंगे अमित भड़ाना चैनल की, यूट्यूब चैनल की, और उसकी चैनल का रिव्यू करेंगे और इसको जो है हम कंपेयर भी करेंगे दूसरी और चैनल के साथ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये बहुत ही ट्रेंडिंग और पॉपुलर जो है यूट्यूबर है जो कॉमेडी वीडियोज़ बनाता है और दिन ब दिन जो है इसकी पॉपुलरिटी बढ़ती जा रही है। तो यहाँ पे जो है आप देख सकते हैं इसका 3 वीक पहले का एक वीडियो है, उसमें उसको 14 मिलियन मिले। 1 महीने पहले का जो है उसमें भी 14 मिलियन मिले हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 1 महीने के अंदर यहाँ पे 2 वीडियो पब्लिश किए हैं और ये उसके पहले के महीने में 3 किए थे। और जनरली 2 से 3 वीडियोज़ जो है ये पब्लिश करता है एवरी मंथ। तो काफ़ी मेहनत करता होगा स्क्रिप्ट लिखने में, एक्टिंग करने में। तो ये अभी बोल सकते हैं कि ये प्रोफेशनली वीडियोस बना रहा है। शायद पहले भी उसका प्लानिंग यही होगा, ऐसा नहीं होगा कि एज ए हॉबी स्टार्ट किया होगा और फिर धीरे धीरे जाके ये फुल टाइम उसने किया है, पूरा प्लानिंग के साथ किया है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं उसका हाईएस्ट जो है वो 32 मिलियन व्यू है, 3 महीने पहले का ये वीडियो है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत सारे वीडियोस पे मिलियंस है व्यू इसके के। तो सब सब वीडियोस पे जो है मिलियन से कम किसी के अंदर नहीं है। तो आप देख सकते हैं कि इसकी जो है पॉपुलैरिटी कितनी है। तो यहाँ पे जरा देख लेते हैं कब शुरू किया था ये उसने। 2012 से एक चैनल जो है स्टार्ट कर दिया था और अप्रोक्सीमेटली यहाँ पे आप देख सकते हैं 5 मिलियन के आसपास इसके एक्चुअली सॉरी ये तो व्यू है, 8 मिलियन के आसपास जो है इसके सब्सक्राइबर है। ओके, तो इसकी चैनल जो है उसका अर्निंग देख लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि उसका जो चैनल है ए ग्रेड का हो गया है, तो ये भी एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। और खाली उसने 49 वीडियोज़ ही अपलोड किए हैं और एंटरटेनमेंट चैनल उसका टाइप है, चैनल का टाइप। और आप देख सकते हैं व्यूज़ कितने हैं। तो वैसे आजकल जो है मतलब जब से यूट्यूब ने बहुत सारे चेंजेस किए हैं अपने पूरे एल्गोरिदम में, तो व्यू का इतना इम्पोर्टेंस नहीं है जितना वॉच टाइम का है। वॉच टाइम जो है वही सबसे बड़ी चीज़ है, तो व्यू को आप भूल ही जाओ हो सके तो। वॉच टाइम ज़्यादा होगा तो व्यू आएंगे ही आएंगे, तो उसमें कोई दिक्कत मतलब बड़ी बात नहीं है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं उसकी मंथली अर्निंग जो है $12,000 के आसपास है। ये मतलब मैं मिनिमम बोल रहा हूँ, कई बार अगर एड्स जो है ज़्यादा चलेगी तो उसके जो है अर्निंग $15,000-$20,000 भी हो जाएगी। और ईयरली जो है आप देख लें कि $1,50,000 या तो $2,00,000 के आसपास जो है उसकी मंथली अर्निंग है। तो मतलब इंडिया में बैठे बैठे इतने पैसे कमा रहा है, तो मतलब ये मतलब बहुत बड़ा अचीवमेंट है। और चलो तो इसको जो है कंपेयर कर लेते हैं एक और चैनल के साथ, हर्ष बेनीवाल। ये भी बहुत ही पॉपुलर जो है कॉमेडी यूट्यूबर है और इसने अपना जो करियर स्टार्ट किया था इंस्टाग्राम से। और इसका एक वीडियो जो है ट्रेन में मतलब दिल्ली के मेट्रो में उसने डांस किया था, वो बहुत ही वायरल हुआ था। तो आप देख सकते हैं कि इसका भी 2 वीक पहले का वीडियो है, तो उसमें भी मिलियन व्यू आ गए हैं। तो सभी में मिलियन मिलियन ही दिख रहे हैं यहाँ पे। तो आप देख सकते हैं कि 1 महीने में ये एक किया था, दूसरे उसके पहले के 1 महीने में 1 वीडियो। तो मंथली जो है अप्रोक्सीमेटली 1 से 2 वीडियो ये कर रहा है। और इसका एक सॉर्टिंग कर लेते हैं मोस्ट पॉपुलर वाला। तो इसका जो है हाईएस्ट 14 मिलियन है, जबकि इसका कितना था हाईएस्ट 32 मिलियन था। ओके, यहाँ पे देख सकते हैं 32 मिलियन था और इसका हाईएस्ट जो है 14 मिलियन। तो उससे पता चलता है कि इसकी कॉमेडी लोग ज़्यादा पसंद करते हैं, या तो ये ऑटोमेटिकली ट्रेंडिंग में आ गया है जो भी है, वायरल हो गया है। तो अदरवाइज़ इसके भी ज़्यादातर वीडियोज़ के ऊपर जो है मिलियन व्यूज़ तो आ ही जाते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ से फिर कम हो गए हैं। ओके, तो यहाँ पे ये जो है सिंपल क्वालिटी वीडियोस जो बोलते हैं, मतलब कभी भी अपना कैमरा स्टार्ट करके कुछ भी फनी चीज़ रिकॉर्ड कर ली, ऐसा नहीं है कि पूरा प्लानिंग करके ही किया हो जिस तरीके से इसने किया है। तो इसके चैनल पे ऐसा वीडियोस आपको नहीं देखने को मिलेगा, पर यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा उसके जो है अलग अलग टाइप के फ़नी वीडियोस, उसको जब मन हुआ तब कर दिया। तो ये भी एक अलग टाइप का चैनल है। तो यहाँ पे आप देख लेते हैं अबाउट 2015 में स्टार्ट किया था और इसके जो है आप देख सकते हैं कि अप्रोक्सीमेटली 3.5 मिलियन ही सब्सक्राइबर है। तो इसकी अर्निंग देख लेते हैं। तो ये आप देख सकते हैं उसका ग्रेड है अभी B+ ग्रेड है, तो वो भी ख़राब नहीं है, कॉमेडी चैनल टाइप है उसका। और 116 जो है अपलोड है और इतने सब्सक्राइबर है।
और इसकी जो है $4,000 के आसपास जो है मिनिमम अर्निंग है, और ईयरली जो है $50,000 के आसपास है, तो ये भी कोई कम नहीं है। इंडिविजुअल जो यूट्यूबर्स होते हैं उसके लिए, मतलब इंडिया में बैठे बैठे इतने कमा रहे हैं तो बहुत है। और उसके अलावा बहुत ही पॉपुलर बीबी की वाइन, तो ये जो है इसके पास भी कोई क्रू नहीं है वीडियो बनाने के लिए, जबकि मुझे लगता है कि इसके पास क्रू होगा, क्योंकि आप देख सकते हैं बहुत सारे कैरेक्टर्स के थ्रू ये वीडियोस बनाता है, तो इसके लिए वीडियोग्राफर भी चाहिए, मतलब शूटिंग करने वाला उसका फ्रेंड ही हो सकता है या तो उसकी टीम होगी, पता नहीं है मुझे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसके भी ज़्यादातर वीडियोस है उसमें मिलियन व्यू तो ऐसे ही आ जाते हैं, और महीने में जो है ये एक दो वीडियो पब्लिश करता है, तो इसको भी शॉर्ट कर लेते हैं। तो इसका जो है हाईएस्ट, इसका भी हाईएस्ट जो है इससे कम है, जबकि ये इंडिया का टॉप यूट्यूबर था, मतलब अभी भी है, तो 28 मिलियन व्यू है इसके, और इसके जो है टॉप वीडियो जो है 3 महीने पहले का इसका 32 मिलियन है, जबकि इसका जो है 1 ईयर पहले का है उसमें भी अभी 28 मिलियन है। तो इससे आपको पता चल जाता है कि इसके वीडियोज़ जो है बहुत लोग पसंद करते हैं। पर ये जो एक तरीका है ये एक्चुअल में सुपर वूमन टाइप का था, पर सुपर वूमन ने भी शायद उसके पास वीडियो शूट करने वाला कोई था, जबकि ये अपने हाथ में मोबाइल पकड़ के ही पूरे वीडियोस जो है गेटअप चेंज कर करके शूट करता है, और स्क्रिप्ट भी खुद ही लिखता है। तो ये एक मतलब कला है, आर्ट है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ज़्यादातर इसके वीडियोस पे मिलियन मिलियन व्यू ही है। तो इसने स्टार्ट किया था, इसने भी 2015 में स्टार्ट किया था, और इसके जो है अप्रोक्सीमेटली 8.5 मिलियन सब्सक्राइबर है। तो इसकी अर्निंग देख लेते हैं, तो ये माइनस है इसका ग्रेड, तो वो भी कोई ख़राब नहीं है, और मंथली जो है अप्रोक्सीमेटली $15,000, और ईयरली 1.8 लाख जो है डॉलर्स ये अर्न करता है, और 121 वीडियोस जो है अपलोड की है, और एंटरटेनमेंट टाइप का है ये। तो ये भी एक अच्छा चैनल है, मतलब स्टार्टिंग में तो आपको मज़ा आएगा। वैसे भी पहली बार जब मैंने इसका वीडियो देखा था तो मुझे लगा था ये गाली गलौची वाला होगा, पर फिर आफ्टर सम टाइम मैंने फिर से एकदम ध्यान से शांति से पूरा मतलब सब वीडियोस देखे, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग इसकी जो स्क्रिप्ट्स होती है और कॉमेडी जो उसके टोंट है वो भी बहुत ही अच्छे रहते हैं, तो इसका भी सही वाले होते हैं, इतना भी ख़राब नहीं है, और इसके भी बहुत ही बढ़िया है। तो यहाँ पे यही जो चीज़ थी वो आपके साथ शेयर करनी थी, तो आपको पता चल ही गया होगा कि अमित बनाना है उसकी अर्निंग कितनी है, हर्ष बेनीवाल जो है उसकी भी अर्निंग कितनी है, और बीबी की वाइन की अर्निंग कितनी है। तो ये अर्निंग जो होती है वो अप्रोक्सीमेट होती है, क्योंकि जो यूट्यूब के एल्गोरिदम है उसके हिसाब से जो है एड्स चलती है, आपका वॉच टाइम कितना है उसके बेस पे, और आपका वीडियो जो है वो कितनी लेंथ का है उसके हिसाब से वीडियो पे एड्स आती है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, थैंक यू एंड गुड बाय।